किसान भाइयों, मैं आज दोराला में हूँ और हमारे दोराला में नई एजेंसी खुली है जॉन डियर की खुली है। ये भाई हैं, यहाँ के मालिक हैं एजेंसी के, पप्पू गांव चिंदौड़ी से। तो ये इनके पास में एक तो ये मॉडल है 5105। ज़रा बताइए कितने एचपी का होगा? 40 HP का है सर। अच्छा, 40 HP का है। 40 HP। अच्छा, 40 HP है, 3 सिलेंडर है। अच्छा, टोटल ऑयली फर्स्ट ब्रेक है, मेंटेनेंस बहुत कम है क्योंकि इसमें टॉप साफ डाली हुई है। अच्छा, जो कि हर टाइम गियर को आपके लुब्रिकेट करती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पिस्टन जेट, जो कि अभी तक ना टॉप साफ बना पाया कोई, ना ही पिस्टन जेट। किसान भाइयों, इस प्लेट पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। अच्छा, अब बताओ ये 12 टायर है, 12 4 28 13 13 6 28 टायर है। अच्छा, तो ये पिस्टन जेट के बारे में बता रहा था, जो कि पिस्टन जेट आपका मूविंग करता है जब, तो गर्म हो जाता है। तो जॉन डियर ने जो है नई खोज किया, इसके ऊपर जेट लगाया ताकि ऊपर से भी और नीचे से, पिस्टन ऊपर नीचे होगा, दोनों तरफ से तुरंत ऑयल की स्प्रे होती रहती है ताकि आपका जो है गर्म नहीं होगा, इंजन की जान बच जाती है। इसीलिए इसकी टाइप स्टार्ट, इस आवाज़ सुनवा ऊपर बैठ जाओ, कभी रुक जाओ। अब मैं चाबी लेकर आ रहा हूँ। चाबी ले। किसान भाइयों, ये बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है जॉन डियर का, ना बड़ा ना छोटा, मीडियम है, 40 HP। पर एक तारीफ हो रहा है, 40 HP 7 फुटा रोटावेटर मैंने खींचता देखा है जॉन डियर का, क्योंकि इसमें ताकत इतनी है कि ये औरों के मुकाबले ज़्यादा ताकत दिखाता है। अभी भैंसवाल में एक डेमो हुआ था, वहाँ इस ट्रैक्टर ने रुदन मचा दिए थे। साइड शिफ्ट गियर हैं इसके, ये 4 गियर हैं इसमें भाइयों, चलाने में बहुत मज़ेदार है। मरघाट बैठने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। पिछला हिस्सा देखिए कितना मज़बूत है, इसकी ट्यूब देखिए आप, ज़बरदस्त ट्यूब है इसकी। इसका हर पार्ट्स इतना मजबूत है कि दादा ले पोता बढ़ते। ये क्लच दबा के स्टार्ट होता है। अच्छा, अच्छा, क्या शानदार आवाज़ है भाइयों, आवाज़ सुनिए आप। किसान भाइयों, सबसे सस्ता एक जुगाड़ है इसमें, कई बार पेड़ में अड़चगढ़ साइलेंसर मुड़ जा, इसका तो सीधा पाइप चाहिए, ये तो इतना कॉस्टली भी नहीं होगा, है ना। अगर कहीं अड़का मुड़ भी जाए बाजी में तो ये इतनी महंगा नहीं है। बाजे में इतनी ज़बरदस्त ढोल की होती है, वो फिर बहुत महंगा पड़ता है किसान के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे ट्रैक्टर के बारे में दिखाता हूँ। ये 50 36, ये कितने HP का है? ये 36 HP में है सर। 36 HP का जी। तो इसके बारे में क्या कुछ खास बात? भाई इसमें ही भैया, बस ये पावर 36 में है। ये हमारे छोटे किसान जो खेती बाड़ी के लिए भी काफ़ी उपयोगी है, 6 फुटा रूटर तक ये भी खींच लेता बहुत है, बहुत बढ़िया खींच रहा है। और रोडी जस्ट के लिए भी आजकल जो भाई हमारे वो लगवा लें, इसमें लोडर लगवा रखा है बहुत लोगों ने। अगर कोई बड़ा नहीं बना तो छोटा रोडी जस्ट के लिए ये सबसे अच्छा कामयाब है अभी तक। पावर स्टेरिंग को इसमें सभी आते हैं, टोटल पावर स्टेरिंग। तो आवाज़ इनकी सेम है, कुछ अंतर है? आवाज़ तो सेम है भी। आवाज़ सेम। किसान भाइयों, आगे बैटरी दी है, सुरक्षित है बिल्कुल। और ये 3 सिलेंडर में सभी आते हैं जॉन डियर। थोड़ा मैं इसके बारे में और आपको दिखाता हूँ। पढ़ लीजिए आराम से। किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात तो यह है, हर जॉन डियर पावर स्टेयरिंग है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, साइड में गियर हैं, बैठने का बहुत आराम है किसान को। तीसरा, इसकी डीजल टैंक ऐसी दी है कि इसमें कभी जंग नहीं आएगा, जैसे और ट्रैक्टरों में
बरसात में खाली रह जाए जंग आ जाए पसे साग है, बिल्कुल डीजल जैसा डालो वैसे ही निकलता है। तीसरा, इसका हर पार्ट्स बहुत मजबूत है, डला हुआ है, बहुत मजबूत दिया है, ट्यूब बहुत ज़बरदस्त है, लिफ्ट पट्टी जो है ये बहुत तकड़ी दी है कि ये आप 20 साल भी ट्रैक्टर चला लो, ये कोई सी भी मरने वाली नहीं है। तो दोस्तों आपको ये ट्रैक्टर जरूर पसंद आया होगा। तो कोई क्षेत्र का किसान दूर जाने की आवश्यकता नहीं, दोराला में मिल रहे हैं और बहुत अच्छे रेट हैं इनके, ऑन रोड है। बाकी तो 10-20 रुपये कम टू आप जब आओगे यहाँ बात हो सकती हैं। सर्विस सेंटर भी है, पार्ट है। अच्छा, सर्विस का भी सब इंतजाम है। और भाइयों यहाँ सर्विस भी करा सकते हो आप, ये इधर सर्विस सेंटर दिया है इन्होंने, आ गए ना। नहीं बाहर से दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं भाइयों, अभी नई एजेंसी खुली है, देखिए सर्विस सेंटर है और यहाँ पे इनके रूटावेटर भी आ रहे। वाह, ये जोंडियर के अपने जी भाई, ये जोंडियर का अपना रूटावेटर देखिए कितनी सुंदर बनावट है इसकी। जोंडियर ट्रैक्टर रोटर है, कभी भी धूप में 20 साल खड़े है, कभी रंग पे फर्क नहीं पड़ेगा, फीका नहीं पड़ेगा कभी। ये 7 फुट 8 सात फुट है, कितने ब्लेड हैं? करीब 48 ब्लेड है इसमें भाई, 48 ब्लेड है। कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट चलो आने दो, दोनों सेम है, कुछ फर्क है? अच्छा, इनमें हल्के भारी का फर्क है जी। अच्छा, जमीन के साथ अच्छा है। कैडी जमीन के लिए ये होगा, हल्के लिए थोड़ा वो है। किसान भाइयों बनावट देखिए कितनी मोटी, ये ढली हुई है, हैंगल वेंगल नहीं है, ढली हुई बोर्ड ये दी है प्लेट, और ये सब ढला हुआ हिस्सा है इसका। तो ये इनमें वेट में अंतर है कुछ? हाँ, वेट में अंतर है। तो कीमत का क्या अंतर होगा इनका, कीमत थोड़ा बताएं? कीमत में अंतर होगा जी 5,000 रुपये के आसपास की। अच्छा, वो कितने का ये कितने का? वो है 1 10 का और 1 15 का। 1 15 का है, इसमें वेट कितना होगा अंदाजा कुछ पता? इसमें वेट है जी 5-65 के समथिंग है कुछ, ये तो उसमें रखा नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है, उसमें थोड़ा बहुत 10-20 किलो कम होगा। हाँ जी, हाँ क्या 48 ब्लेड में या 48 में? तो अगर कोई सर्विस कराए तो यहाँ मैकेनिक वगैरह सब इंतजाम मिलते हैं। तो दोस्तों दोराला, दोराला जो है आप अगर आ रहे हैं सकोती की तरफ से, तो फ्लाईओवर पार करते ही आपको राइट साइड में ट्रैक्टर खड़े दिखाई देंगे। छुट्टी कब की रहती है आपकी? छुट्टी बार रहे रविवार की, रविवार को मत आना। और दोस्तों मैं आपको पूरा एड्रेस बता रहा हूँ, ये देखो हाईवे है हमारा, ये जीटी रोड है, इस पर आप आ रहे हैं इधर। अब मैं घूम गया हूँ खतौली की तरफ, इधर फ्लाईओवर पार करते ही ये सामने एक मार्केट है, बाकी खेत पड़े हैं, और यहाँ सड़क से पश्चिम की तरफ आपको इस तरह खड़े दिखाई देंगे। वो झंडा लगा है, जोंडियर की एजेंसी है, आप इनका नंबर ले लेना, मैं आपको नंबर दे दूँगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।